चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के बर्व के जो आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट रिक्स डू वी फेस व्हेन वी लव, अर्थात व्हाट रिक्स यानी किस प्रकार की जो रिक्स यानी मुसीबत डू वी फेस यानी हमको क्या है सामना करना पड़ता है बी व्हेन यानी जब वी लव अर्थात जब हम हंसते हैं तो हमें कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर लिखें व्हेन वी लाफ जब हम हंसते हैं वी रिक्स अपीयरिंग अ फूल, तो क्या होता है वी रिक्स उठाते हैं अपीयरिंग यानी प्रकट करने का अ फूल अर्थात हम मूर्खतापन दिखाने की रिक्स का सामना करना पड़ता है कि क्योंकि लोगों के द्वारा क्या समझा जाता है कि मूर्ख हैं। तो ये फिर से सुन लें व्हेन यानी जब वी लाफ जब हंसते हैं वी रिस्क अपीयरिंग अ फूल अर्थात हम मूर्ख प्रतीत होते हैं। व्हाई मस्ट वी टेक रिक्स अर्थात हमें मुसीबत क्यों लेनी चाहिए मुसीबत, तो आंसर है वी मस्ट टेक रिस्क यानी हमें मुसीबत जरूर लेनी चाहिए बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड अर्थात सबसे बड़ा खतरा इन द लाइफ अर्थात जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, यदि सबसे बड़ा जीवन में खतरा क्या है यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं। निश्चित है कि यदि हमें कोई सफलता प्राप्त करनी है तो हमें किसी भी काम की सफलता के लाने रिक्स उठाना पड़ता है। आगे का क्वेश्चन देखें हाउ कैन यू से डेट द पर्सन हु डू नॉट टेक रिक्स और स्लैब अर्थात हाउ कैन यू से आप कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति जो रिक्स नहीं लेता है गुलाम है, तो आंसर देखें द पर्सन हु डू नॉट टेक रिक्स अर्थात जो व्यक्ति रिक्स या मुसीबत नहीं लेता है और स्लेव्स अन गुलामों की श्रेणी में है बिकॉज क्योंकि दे आर चेंड आने बंधे हुए होते हैं बाय देयर सेटिट्यूड अर्थात क्योंकि वे अपने दृढ़ विश्वास या यकीन से बंधे हुए होते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है गुलाम कहा जाता है। अब क्वेश्चन है 24 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स एक नियम होता है इससे आप क्या समझते हैं, तो आंसर देखें डू इज अर्थात डूज मींस द एक्ट्स डेट आर राइट अर्थात ऐसे कार्य जो सही है एंड वी शुड प्रैक्टिस देम अर्थात उनकी हमें क्या करनी चाहिए प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना चाहिए और डोंट्स मींस द एक्ट्स अर्थात ऐसे काम डेट आर रॉन्ग जो गलत है एंड वी शुड नॉट डू देम और उन्हें हमें नहीं करना चाहिए इसलिए डूज एंड डोंट्स ये क्या है नियम है, तो अपन समझ ही चुके हैं डूज का मतलब क्या होता है और डोंट्स का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, व्हाई यानी क्यों ये जाने है द गीता यानी गीता बियॉन्ड यानी परे द मेयर यानी हद इंटेलेक्ट आने जो बुद्धि की हद है उससे परे क्यों है, तो आंसर है इट इज बियॉन्ड परे है मेयर इंटेलेक्ट आने ज्ञान की हद से बिकॉज क्योंकि इट इज एसेंशली एड्रेस्ड टू द हार्ट अर्थात यह क्या है जो यह वास्तव में एड्रेस्ड
माने के प्रति टू द हार्ट, क्योंकि ये हृदय के प्रति है। एंड कैपेबल, और कैसी है, योग्य है या सक्षम है, ऑफ बीइंग अंडर स्टूड बाई हार्ट, और हृदय के द्वारा समझने योग्य है। अब क्वेश्चन देखें, वाई डज द ऑथर सेज डेट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। अर्थात लेखक क्यों कहता है कि गीता उनके लिए नहीं है जिनके पास विश्वास नहीं, हु हैव नो फेथ अर्थात जिसमें विश्वास नहीं है। तो आंसर है ही सेज सो, वह इसलिए कहता है बिकॉज, यानी क्योंकि इट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, अर्थात है ज्ञान की हद से कैसे बियॉन्ड ने परी है। इट इज एड्रेसेड अर्थात किसके प्रति है, टू द हार्ट अर्थात हृदय के प्रति है। एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टूड बाय हार्ट, और ये क्या है, हृदय के द्वारा समझने योग्य है। इसके बाद हार्ट इज बियॉन्ड रीजन, और जो हृदय होता है वो रीजन से कैसा होता है, परे परे होता है। इट इज बेस्ड ऑन फेथ, यह किस पर आधारित होता है, जो हृदय है विश्वास पर आधारित होता है, ना कि रीजन पर। अब क्वेश्चन देखे अपन आगे का 27, हू विल सर्टेनली रीच लॉर्ड कृष्णा, अर्थात लॉर्ड कृष्णा के पास निश्चित रूप से कौन पहुंच सकता है। तो इन्हें आंसर में है हू एवर, यानी जो कोई विल गिव हिज परसियस टीजर टू हिज डिवोटीज विल बाय फैक्ट ऑफ दिस सर्विस अश्योरली विल रीच देम। तो हाँ इसका मतलब है जो कोई भी क्या करेगा, विल गिव आने देगा दिस प्रेसियस ट्रीजर, आने जो इसका प्रेसियस आने कीमती है, ट्रीजर आने खजाना है, आने जो कोई भी कीमती खजाना देगा टू हिज डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब है उनके भक्तों को, हिज डिवोटीज उनके भक्तों को, विल बाय फैक्ट्स ऑफ दिस सर्विस, अर्थात यहाँ पे क्या है, इस सेवा के द्वारा, सेवा के तथ्य के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, विल बी रीच देम, तो वह उनके पास पहुंच जाएगा। क्वेश्चन आगे का देखें, विच इज द बेस्ट प्लेस कंसाइडरेड फॉर मेडिटेशन, अर्थात कौन सा स्थान ध्यान के लिए उत्तम माना गया है। तो आंसर देखें, आ कूल प्लेस यानी ठंडा स्थान विथ डिम लाइट, जहां पर कम प्रकाश हो, एंड बीच इज रिलेटिवली क्वाइट, और जो किससे संबंधित हो, शांति से, इज द बेस्ट प्लेस, वह कैसा है, अच्छा स्थान है, कंसाइडरेड फॉर मेडिटेशन अर्थात ध्यान के लिए माना गया है। आखिरी क्वेश्चन देख लें, फॉर व्हाट इज मेडिटेशन एन अल्टीमेटम सॉल्यूशन, अर्थात ध्यान के लिए एक अंतिम समाधान क्या है, एन आने एक अल्टीमेटम अंतिम सॉल्यूशन आने समाधान क्या है। तो यहां पर देखें, मेडिटेशन इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मेक अवर माइंड काम। तो यहां पर ने बताया है ध्यान है, एक ध्यान अंतिम समाधान है किसके लिए, टू मेक अवर माइंड काम, टू मेक आने बनाने के लिए, अवर माइंड आने हमारे हृदय को, मस्तिष्क को काम आने शांत, अर्थात हमारे मस्तिष्क को शांत बनाने के लिए सबसे अच्छा अर्थात अल्टीमेटम है, अर्थात एक अंतिम समाधान है। यदि हमको अपने मस्तिष्क में समाधान चाहिए तो हम सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, यही क्या है, एन अल्टीमेटम सॉल्यूशन, एक अंतिम समाधान है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करें। इसका ये चौथा है, इसके बाद दो तीन और पार्ट बनेंगे, तो आप देखते चलें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।